प्रथम तहलका न्यूज। सोमवार को रोहतक में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत की और इस दौरान उन्होंने बड़ौदा उपचुनाव में भारी बहुमत से कांग्रेस की जीत का दावा भी किया। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान सभी बिरादरियों का जन समर्थन हासिल हुआ है और इसी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा सरकार पर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप भी लगाया। साथ ही एक सवाल के जवाब में हुड्डा ने कहा कि हरियाणा के लिए अलग राजधानी, अलग हाईकोर्ट और SYL नहर का मुद्दा भी उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि तीनों आपस में जुड़े हुए मुद्दे हैं, लेकिन प्राथमिकता पानी की है। पूर्व मुख्यमंत्री ने पराली की समस्या के समाधान के लिए पराली का भी न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने की मांग की है। चुनाव प्रचार कल शाम को खत्म हो गया और अब वहाँ चुनाव गांव का रहेगा। जो हमारे कार्यकर्ता हैं, साथी हैं, इन चुनाव में जो जनमानस था, जो जन समर्थन रहा, वो 36 बिरादरी का कांग्रेस के प्रति रहा और भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जीतने जा रहे हैं। कोई शक की बात नहीं। हालांकि बहुत सारी उल्लंघनाएं सरकार ने की, जो इलेक्शन कमीशन ने नॉर्म्स को वायलेट किया, वहाँ के जो हमारे एजेंट है, कैंडिडेट हैं, उन्होंने शिकायत भी करी है, कंप्लेंट भी करी है, कभी कहीं कर रहे हैं, कहीं अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन ऑल स्पाइट ऑफ ऑल दैट लोग बन बना चुके हैं, भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे। अच्छा, एक तीन इशू हरियाणा के बनने से लेकर अब तक है, अलग हाईकोर्ट का, अलग राजधानी का और पानी का मुद्दा, उस पर आपका कैसे? तो तुम्हारा कभी से है, तीन मुद्दे हैं, पानी, राजधानी और हाईकोर्ट। तो जहाँ तक सवाल है हाईकोर्ट का, हाईकोर्ट का तो हमने कहा भाई चंडीगढ़ में हमारा बनाओ, हाईकोर्ट बनाने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये तीनों इंटरलिंक्ड है और सबसे ज्यादा प्राथमिकता हमारी पानी की है। पहले पानी का हमारा हिस्सा पूरा है, जब आगे बात की जाएगी। ये सरकार जो है, हरियाणा सरकार, सुप्रीम कोर्ट में फैसला हुआ हमारे हक में, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करा पा रही, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कराती। हमारी जब मीटिंग हुई थी, साफ हो गया था भाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला फाइनलिटी अटेंड कर चुका है, फिर ये उलझा देते हैं मामले को, बात करने से तैयार हो जाते हैं। क्यों तैयार होते हैं हरियाणा सरकार बात करने, जब सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल वर्डिक्ट दे दिया अपना, केंद्र से खुदवाए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दिल्ली में भी आ रही है, हरियाणा में भी। चंडीगढ़ दुष्यंत चौटाला ऑफर देना क्या बेस है? क्या कैबिनेट ने पास कराया? क्या हरियाणा गवर्नमेंट ने कैबिनेट में पास किया? क्या किसके बिहाफ पे ऑफर कर रहे हो? लेट मी नो। ऐसा है जो नए ये एक्ट आया है, अगर उसमें MSP का कहीं भी प्रावधान हो तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। वो छोड़े MSP है ही नहीं, वो कह रहे हैं MSP खत्म ही नहीं होगी हरियाणा में, MSP है ही नहीं नए कानून में। ये तो मांग ही कर रहे हैं ना, ये तीन कानून बने हैं, इसे चौथा कानून लेके आए जिसमें प्रावधान करे कोई भी कॉर्पोरेट हो, कोई भी हो, MSP से कम खरीदे तो उसको सजा मिलनी चाहिए, जब किसान के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट है। देखो ये तो उसको स्टडी कर रहे हैं, कमीशन की है, लेकिन पोल्यूशन को के लिए एक अकेली प्राणी को ठहराना गलत है। किसान के वो है, उसका कोई ना कोई समाधान निकालना चाहिए। प्राणी की MSP फिक्स करनी चाहिए, जिस तरह गेहूँ की है ना, चावल की है, इस तरह प्राणी की भी MSP फिक्स करके उसका और कहीं इस्तेमाल किया जा सकता है, बिजली बनाने के लिए किया जा सकता है और कहीं किया जा सकता है, उसका रास्ता ढूंढना चाहिए। दरअसल बड़ौदा उपचुनाव को लेकर कल यानी मंगलवार को मतदान होना है। वहीं अब जहां चुनाव प्रचार पर रोक लग गई है, वहीं अब बड़ौदा उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रही है। उसी कड़ी में रोहतक में अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी बड़ौदा में कांग्रेस की जीत का दावा किया। हालांकि जीत का ताज आखिर किसके सर सजता है, ये तो 10 नवंबर को ही साफ हो पाएगा। प्रथम तहलका के लिए रोहतक से रिंकू परमार की रिपोर्ट।